मतलब ये है भी घूम सकते हैं। फास्ट फूड की दुकानें हैं, कितना भीड़ लगी हुई है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम आ गए पटना के मरीन ड्राइव। तो आप लोग को हम दिखाएंगे कि मरीन ड्राइव में क्या क्या अवेलेबल है, कैसे कैसे है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग शाम में बहुत मेला जैसा यहाँ पे लग जा रहा है। तो आइए हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे। ये गंगा किनारा है, गंगा किनारे के पास ही पटना है और ये पटना जेपी सेतु है ब्रिज। जो आइए, तो आइए हम आप लोग को दिखा रहे हैं। ये ऊपर से सनसेट, उसके नीचे जेपी सेतु, उसके नीचे मरीन ड्राइव, क्या नजारा है भाई। फास्ट फूड का ही दुकान है, सिर्फ फास्ट फूड, और कोई दुकान बहुत कम ही मिल रहा है। जैसे देसी चीज जैसे भुट्टा वगैरह या भूजा उजा का दुकान बहुत कम मिल रहा है। तो भुट्टा तो मिल जा रहा है लेकिन भूजा उजा नहीं मिल रहा है। फास्ट फूड का सिर्फ दुकान मिल रहा है। फास्ट फूड खाने में बहुत लोग लगे हुए हैं, चाउमीन हुआ, मोमोज हुआ, जो भी फास्ट फूड बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, लेकिन देसी चीज खाने में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देसी लोग जो बना रहे हैं उसका लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हम दिखा रहे हैं, आइए दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पे फास्ट फूड की दुकानें हैं, यहाँ पे कुरकुरे कुरकुरे चिप्स लेज वगैरह, यहाँ पे आइसक्रीम। और यहाँ पे देखिए एक आदमी भुट्टा लेकर के बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं क्या कितना बिक्री हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए इनसे हम बात कर रहे हैं। ये भुट्टा जो है आप कहाँ से लाते हैं? हाजीपुर से ही भुट्टा लाते हैं। गांव से लाते होंगे? दियरा से। अच्छा अच्छा, तो कैसे भुट्टा, मतलब कैसे अभी बना करके दे रहे हैं? तो कितना रुपया लगेगा एक भुट्टा का? 15-20 का हम। 10-15? अच्छा, 10-15 का एक मिल रहा है। ऐसे फास्ट फूड खाने जाइएगा तो 150-200 रुपए प्लेट मिलेगा, लेकिन अगर ये एक खाते हैं ना नहीं होगा, लेकिन फास्ट फूड खाइएगा तो बहुत सारा समस्या होगा क्या जी? हाँ, तो ये सब चीज जो है नेचुरल चीज है, ये सब चीज खाना चाहिए और ऐसे ऐसे दुकान पे खाना चाहिए ताकि हमारा सभ्यता संस्कृति बने रहे क्या जी? कितना हो जाता होगा? कितना बजे दुकान लगाते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे से? अच्छा अच्छा, और कितना बजे तक ही चलता है मरीन ड्राइव? ये तो 2 बजे तक, रात तक चलता है ये? चलता है आपका भुट्टा? चलता है 2 बजे तक? 11 बजे तक चलता है। कितना आ जाता होगा भुट्टा से? 1000 रुपया। अच्छा, पर डे 1000 रुपया आ जाता है, वही 2 बजे से लगाइए, रात में 11-12 बजे तक 1000 रुपया आ जाता है। तो ये सब चीज नेचुरल है, ये सब चीज यूज करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और भुट्टा भी खाना चाहिए, वो गांव हो चाहे शहर हो, ये सब अपना बिहार का कल्चर है। और ये सब चीज जो मौसमी चीज है, ये सब खाने से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर मरीन ड्राइव में शाम में मेला जैसे लगता है, मेला भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो फास्ट फूड की दुकानें हैं, कितना भीड़ लगी हुई है, लेकिन भुट्टा के दुकान पर कोई दिखाई नहीं देगा। देखिए हम लोग भुट्टा ले लिए हैं, इसी मरीन ड्राइव पर हम लोग खाएंगे यहीं तो भुट्टा, और आप लोग को भी दिखाएंगे ऐसे क्या क्या है। नमस्ते, 160 ले लीजिए। भुट्टा का स्वाद अच्छा है, राजस्थान वाला भी है, पर भी घूम सकते हैं, सब सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे मरीन ड्राइव पर। आइए यहाँ से बैठ कर थोड़ा खाया जाए। शहर के लोग शांति और सुकून के लिए कहीं जगह खोजते हैं, लेकिन गांव के लोगों को हर जगह शांति और सुकून मिलता है उसके लिए। तो देखिए भुट्टा का मजा लीजिए, आइए आप भी आइए मरीन ड्राइव घूमिए।
पर डबल में जाए, या आप घोड़ा पर चढ़ना चाहते हैं या भैंस पर, वो भी सुविधा है। उस पर जो है गंगा किनारे घूम सकते हैं, ठीक ना, इस पर भी घूम सकते हैं। इस पर कुछ फी देना पड़ेगा, उस पर कोई फी देना नहीं पड़ेगा, उस पर थोड़ा रिस्क है, ठीक ना। तो जिस पर घूमना चाहते हैं शाम को आकर आप घूम सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मरीन ड्राइव कीजिए, उस पर कीजिए चाहे इस पर कीजिए। इस पर कितना लगता है बाबू? 50 रुपये लगता है। उस पर पता नहीं कितना लगता है, उसके लाने के लिए कोई है नहीं, ऐसे उस पर ऐसे ही घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर घूमने के लिए। आइए और कुछ दिखा रहे हैं आपको मरीन ड्राइव का चीज। यहाँ पे ये सब सजावट के लिए ये कुछ चीजें बिक रही है। ये कैसे है जी? 750 रुपया उस सूरजमुखी का बनावटी फूल जो है। यहाँ पे कुछ फूल उल है जो घर में यूज किया जाता है, देखिए बेलन चौकी ये सब जो डेकोरेशन का है, ये सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे। हमारा भी ले लीजिएगा। हाँ हाँ, ये भाई है, मरीन ड्राइव पर आइएगा तो किसी प्रकार का समस्या हो तो इनसे मिलिएगा। ये आपका इन्हीं का है, और ये आपको जो भी मतलब जैसा भी लेना होगा आपको अच्छा रेट में देंगे, क्या भाई? हाँ, तो मरीन ड्राइव में आइए तो भाई से मिलिए जरूर। देखिए यहाँ पे फास्ट फूड की दुकानें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट लगाया हुआ है, क्या फी है, किस चीज के कितना फी है पर लगाया हुआ है, ठीक ना। तो आप ये भी चीज खा सकते हैं। यहाँ पे मोमोज का है, यहाँ पे चाट और समोसा, इधर बर्गर, इधर उसका भी है, उसका अवेलेबल है। बिमल बेच रहे हैं बिमल पान मसाला, इसका भी मजा ले सकते हैं दीवाल गंदा करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बर्गर या जो भी हो देख लीजिए, ये सब तो हम खाते नहीं है, पता नहीं क्या है, कैमरामैन खाते हैं वही बताएंगे। तो आप भी आइए और मरीन ड्राइव घूमिए और मजा लीजिए ये सब चीजों का, और जो भी चीज है इधर तो शाम में आइए और घूमिए। तो आप लोग अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।